जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। पूर्वा को कुछ हो गया ना दादी, मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। बोल कहाँ खा मेरी बीवी को? सब शेर वाली माता की कसम, मुझे इतना ही पता है कल सुबह आपकी बीवी को ना बॉर्डर के रास्ते से सरहद पार ले जा रहे हैं। ठीक है ना, जो प्लान चेंज कर दिया उस गधे का फोन आता ही मैं समझ गया था कि जरूर बड़ा कोई झोल है। बिल्कुल अलग। आपके दादी, इनफैक्ट सारे लोग ये बोलते हैं कि आप राम हो, लेकिन मैं सीता नहीं, मैं आज की लड़की हूँ। और आप ही ने ये लिखा था ना कि जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं तो उसे निभाने में कोई महानता नहीं होती, तो फिर ये रिश्ता जो हम निभा नहीं सकते आप उसको कैसे हैंडल करोगे? सोई घर के दरवाजे पर नहीं, तुम सबकी अक्कल पर पड़ा है। अरे दिखाई नहीं दे रहा कि पूर्वा अपनी जगह पर सही है और जो रमेश चाहता है वो सरासर गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने, ताला पड़ा है आपकी आंखों पर। कुछ भी हो जाए उस लड़की को झुकना तो पड़ेगा अम्मा। पूर्वा नहीं झुकेगी बाबूजी। बचपन से लेके आज तक हमारे बीच में सिर्फ सौदा ही हुआ है। आज मैं आपके साथ एक और सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? संजू के अगले एग्जाम्स तक मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि वो एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होगा। लेकिन अगर तू अपना वादा पूरा ना कर पाया तो अस्पताल में अंगूठियों और रत्नों की दुकान खुलेगी। अगर मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया तो अस्पताल में जैसा आप जाएंगे वैसा ही होगा। बिछिए शादी की निशानी होती है, कैसे भूल सकती हो तुम? वो बिछिए की आदत नहीं है ना, ट्राई किया था मैंने पर चुपता है, पर मंगलसूत्र पहना है और सिंदूर लगाया मैंने। बिना बिछिए पहने तो घर से बाहर नहीं जा सकती। क्या हुआ? जब चुपता है ना वो ऐसा ही लगता है। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। सुनो, इधर 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 इधर, बकरी की बात आई क्या? मुझसे सुनो, अम्मा को इस बारे में बताने के बारे में ना सोचना भी मत। ऐसे मामलों में अम्मा वो कतई क्या बोलते हैं, कूल ना है। तुम एक काम करो, सबसे पहले तो ये बकरा मटन का डिब्बा ठिकाने लगाओ, सबूत ही नहीं मिलेगा तो अम्मा को पता कैसे चलेगा? अरे आइडिया एकदम सेट है, पर डब्बा कहाँ है? बाहर है। अरे मती मारी गई है, जल्दी से लेके आओ। ला तो ये लो। नहीं 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 नहीं, ये डब्बा तुम ही ठिकाने लगाओगे। मैं? अरे वाह, ठूस ठूस के खाओ तुम और डब्बा ठिकाने मैं लगाऊं? वाह। नहीं देखो, अगर तुम ये डब्बा ठिकाने नहीं लगा सकते ना तो आज से गेस्ट रूम में ठिकाने लग जाओ, है? और सुनो, मेडल ना लेके जा रहे हो, आराम से जाओ। अगर इस घर में किसी को पता लग गया ना कि नॉनवेज आया है, मतलब घर में महाभारत नहीं। पहले चीजें ऐसी नहीं थी, जब दादाजी थे तो हम महीने में एक बार नॉनवेज ले आते थे। दादी को तब भी पसंद नहीं था, पर दादाजी ने दादी से एक डील कर ली थी कि घर में नॉनवेज आएगा पर बनेगा नहीं। और दादाजी ने अपने बर्तन भी अलग कर दिए थे और वो उन्हें खुद धोते थे। तो टेक्निकली अभी भी नॉनवेज घर पे नहीं बना है और उसके बर्तन भी अलग है? नहीं 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 नहीं, ये सब सिर्फ तब तक था जब तक दादाजी ने मेरे लिए मन्नत नहीं मांगी। जब मैं छोटा था तो स्कूल से आने के बाद दादाजी के साथ बैठता था। बचपन में ही मैंने उनसे नाड़ी परीक्षण सीख लिया था। दादाजी हमेशा चाहते थे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं और उनकी विद्या सीखकर लोगों की मदद करूं। फिर एक बार मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। दादी दिन रात मेरी सेवा करती थी और मेरे साथ रहती थी। मैं जल्दी ठीक हो जाऊं इसलिए दादाजी ने एक मन्नत मांगी और वो भी दादी के साथ राधा स्वामी बन गए।
उस दिन से लेके आज तक इस घर में आज तक किसी ने नॉनवेज की बात तक नहीं की है। वाह, आपके दादाजी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे ना? और दादी शायद उनसे भी थोड़ा सा ज्यादा। इसीलिए कह रहा हूँ पूर्वा, अगर दादी को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट होगा। अगर हमारे अलावा ये बात दादी को किसी और से पता चली तो और भी ज्यादा बुरा लगेगा उन्हें, इसलिए हमें खुद जाकर उन्हें सच बता देना चाहिए। उसके बाद जो सजा मिलेगी सो मिलेगी। एक बात बताऊं, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हें औरों की फीलिंग्स की इतनी कदर होगी? अपने बारे में ये बात मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। तब चले बताने। इससे पहले कि कोई और बताए, हम ही जाके बता देते हैं। इस तरह सबके सामने बर्तन और रसोई धोकर घर की शुद्धि नहीं की जाती। कुलदेवी के मंदिर से पंडित बुलाना पड़ेगा और हवन कराना पड़ेगा। और हाँ, पूर्वा इस हवन में नहीं बैठेगी। जी जी, क्या चल रहा है? ये देखो, ये है पूर्वा को उसके मायके भेजने के परमानेंट टिकट। अब ये मिलेगा कहाँ? कल हवन सामग्री के बीच। मैंने वेदिका जी के साथ कुछ गलत नहीं किया, उन्हें ये बात साबित कैसे करूंगा मैं? सहल एक तरीका है, एक मेडिकल टेस्ट। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी पंक्ति। सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपने किया ये सब? चलो पंक्ति। नहीं, पुलिस बुलानी है, वकील बुलाना है, जिसको बुलाना बुला दीजिए, और अब ये टेस्ट होके रहेगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास चल पड़ी है घर की जिम्मेदारियां उठाने, जिसमें चाहिए उसे अपनी बहुओं का साथ, और दूसरी तरफ रावत ने खड़ी की गुड्डन के सामने अपने पति को निर्दोष साबित करने की चुनौती। क्या गुड्डन से एक सास और एक पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व संभालना हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। उस गाजी की वजह से अगर हमें अलीना नहीं मिली तो हम उसे सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। काजी साहब, काजी साहब, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? नहीं जान, काजी साहब मस्जिद से उठकर चले गए। हेलो, आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती है, जब से वो मेरे भाई की पत्नी है तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते हैं ना। नहीं, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी कर ली, यही कर लू। ए, रोक! मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम्हारी शादी बिना उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ हो जाए। वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम्हारी शादी उसी से हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। तुम्हारी शादी हो रही होगी ना उससे, तब भी मैं खुश होके बोलूंगा। शादी तो हो रही है ना? मेरी शादी पृथ्वी जी से ही तो होगी। रीता अरोड़ा, उस दाढ़ी वाले बकरे को छोड़ो और मुझे पकड़ो। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन किसी बेजान शरीर को यूं वेंटिलेटर पर रखना ठीक नहीं है। साथ जी ने मरने की कसमें खाई थी हमने, इसलिए अगर अब सिया जाएगी तो मौत में भी साथ देगा उसका राम। ये गंगा मेरा नौकर किचन से सेब चोरी कर रहा था, अब चोरी की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। आज गलती से यहाँ पर किसी की जान चली गई तो तुम्हारी तो नौकरी का डब्बा गोल। इसे छोड़ने के लिए तुम्हें अपने घुटनों पर बैठकर मेरे जूते साफ करने होंगे। अब इसकी जान के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना तुम? क्या हृदय अस्मिता की निवेदिता के खिलाफ ये जासूसी जान पाएगा, या अस्मिता को फिर किसी नई अग्नि परीक्षा को पार करना होगा? कितनी बार हमने कहा है कि मैं फोन मत किया करिए, अभी अभी घर में शादी हुई है, लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं, घर पर से बात करना खतरनाक है। जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।